दें कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वह उपयोगकर्ता के द्वारा सीधे सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों की विशेष रूप से डेटा भंडारण में उपलब्ध होता है। अर्थात ये कहें कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधन पूलिंग, आपका सही आंसर रहेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता आपका क्या है, संसाधन पूलिंग। जो कंप्यूटर में जो उपयोगकर्ता है, कंप्यूटर का जो उपयोग कर रहा है, उसके सीधे सक्रिय प्रबंधन, जो बीच में आपके अंदर पहले डेटाबेस जो है वह प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम में संसाधनों के विशेष रूप से डेटा के भंडारण में इसका उपयोग है। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है आपका लाइब्रेरी डायरेक्टरी। यह किसकी पत्रिका है? आपके सामने है, यह प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन तो है आपका आइजलिक, दूसरा दे रखा है आपका एटलिस, तीसरा है आपका भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए। और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है निस्केयर। इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी जो है आपकी, यह भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए की है। कब आई थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1985। इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए जो 1985 में प्रकाशित हो रही है आपकी, यह 1985 में यह प्रकाशन में आ रही है इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी। इसके अलावा आईएलए के आपके बता सकते हैं आप, आईएलए के कौन कौन से पब्लिकेशन है? 1984 बता दीजिए, 1985 आपका हो ही गया, 1986। पहले तो ये तीन प्रकाशन आप बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए 1985 84 में जो है वह आपका आया था, आईएलए के 50 वर्ष पूरे होते हैं, आईएलए के 50 वर्ष, इस नाम से आपका प्रकाशन आया था। 1985 में आपका हो ही गया इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, और 1986 में था, 1986 रंगनाथन के दर्शन विषय पर एक सेमिनार आयोजित हुई थी, उस पे कार्रवाई है रंगनाथन के दर्शन विषय पर सेमिनार। YouTube के सभी साथियों से अनुरोध रहेगा वो साथ साथ में नोट करते रहें पेपर पे ही, सेमिनार कार्यवाही। हमने देखा यहां पर आईएलए के अन्य जो प्रकाशन है उनमें के पहला पूछा है आपका इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी जो आपके 1985 में संपादित होती है, दूसरी आपकी 1984 में, उससे पहले की बात करें तो आईएलए के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह प्रकाशन निकलता है, आईएलए के 50 वर्ष तथा 1986 में रंगनाथन के दर्शन विषय पर आधारित एक सेमिनार की कार्यवाही संपादन होती है आईएलए से। इसके अलावा हम देखें कि आईएलए के और कौन कौन से प्रकाशन हैं, आपको पहले भी बता रखे हैं, जिला है, एफ जिला है,
आपके पहला हम नजर डालें कि आईएलए बुलेटिन, ये भी आईएलए का ही प्रकाशन है, आईएलए न्यूज़लेटर। आईएलए न्यूज़लेटर तथा ऐप गिल्ला और जिल्ला, ये सभी आपके आईएलए के प्रकाशन हैं। हमने तीन और ये चार, टोटल सात पब्लिकेशन देखे हैं। तो अब ये हमें देखना है कि आईएलए बुलेटिन की क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, आईएलए की फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी त्रैमासिक और न्यूज़लेटर की रहेगी आपकी मासिक, ऐप जिल्ला की फ्रीक्वेंसी त्रैमासिक और आपकी जिल्ला की भी है त्रैमासिक। अधिकांश पेपर में हमें एक फ्रीक्वेंसी तथा एक पब्लिकेशन पूछा जाता है, तो इनमें हमें इन तीनों की, आईएलए बुलेटिन, आईएलए न्यूज़लेटर, आईएलए न्यूज़लेटर से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमें यह पता है कि आईएलए की आधिकारिक पत्रिका कौन सी है। पूछा जाता है कि आईएलए की आधिकारिक पत्रिका है, ऑप्शन में ये चारों रहते हैं, आईएलए बुलेटिन, आईएलए न्यूज़लेटर, ऐप जिला और जिला। तो आपका यहाँ पे आधिकारिक पत्रिका है आपका आईएलए न्यूज़लेटर। आईएलए की आधिकारिक पत्रिका आईएलए न्यूज़लेटर, जो कि मासिक फ्रिक्वेंसी है इसकी, और आईएलए बुलेटिन की त्रैमासिक, ऐप गिल्ला की आपकी त्रैमासिक और जिल्ला की त्रैमासिक। दूसरा, यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन था आइजली। तो आइजली के कौन कौन से प्रकाशन हैं, एक दृष्टि उस पर भी हम डालें कि आइजली के प्रकाशन कौन कौन से हैं। आइजली के प्रकाशन हो गया आपका पहला बुलेटिन, दूसरा है आपका न्यूज़लेटर, तीसरा है आपका इंडियन लाइब्रेरी साइंस, एब्स्ट्रैक्ट, आईएलए बुलेटिन, आइजलिक बुलेटिन, आइजलिक न्यूज़लेटर, इंडियन लाइब्रेरी साइंस, एब्स्ट्रैक्ट। तो आपकी यह बुलेटिन त्रैमासिक है, फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लें, आइजलिक बुलेटिन त्रैमासिक, न्यूज़लेटर आपका मासिक, और यह एब्स्ट्रैक्ट आपका वार्षिक। हमने अभी देखा दूसरे प्रश्न में कि इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी का प्रकाशन किसके माध्यम से किया जा रहा है, तो हमने यह देखा कि आईएलए के द्वारा। आईएलए के और तीन प्रकाशन हमने देखे थे कि आईएलए बुलेटिन, आईएलए न्यूज़लेटर, ऐप जिला और जिला, ठीक है। इसके अलावा 1984 में आईएलए के 50 वर्ष पूरे पूर्ण, तो यह इस नाम से था, आईएलए के 50 वर्ष यानी 50 इयर्स। 1985 की जो इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी है, तो उसे हम भारतीय पुस्तकालय की निर्देशिका कह सकते हैं। हिंदी में अगर आएगा तो क्या आएगा, भारतीय पुस्तकालय की निर्देशिका। किसका प्रकाशन है, तो पुस्तकालय भारतीय पुस्तकालय संघ का। हमारा चौथा ऑप्शन है निस्केयर, निस्केयर
से आईएसएसएन का, आईएसएसएन किससे होता है प्रकाशित, जारी कौन करता है, आईएसएसएन नंबर, आईएसएसएन आपका निस्केयर, निस्केयर से नंबर जारी होता है। अगला आपका प्रश्न है तीसरा कि फोनिक शेड्यूल किससे संबंधित है या किसमें प्रयोग किया जाता है, किसका भाग है आपका। यहाँ पे प्रश्न है फोनिक शेड्यूल, तो हमारे सामने ऑप्शन है डीडीसी, यूडीसी, बीसी और एलसी। हमें यह पता है कि डीडीसी के 16वें संस्करण, 16वें संस्करण में इस फोनिक शेड्यूल का आपका, फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग किया गया। फोनिक्स शेड्यूल का मतलब होता है कि आउटडेटेड जो विषय है उनके बदलाव पर नए विषय। फोनिक शेड्यूल से तात्पर्य जो पुराने विषय है उनके स्थान पर नए विषयों का आगमन क्या रहेगा आपका, फोनिक शेड्यूल। तो यह आपके डीडीसी के किस संस्करण को फोनिक शेड्यूल का संस्करण कहता है, 16वें संस्करण का। अब हम बात करते हैं यूडीसी, तो यूडीसी 1905 में हेनरी, आपके हेनरी ला फाउंटेन, हेनरी ला फाउंटेन तथा एक दो थे ये, तथा पॉल आउटलेट, उनका पूरा नाम था आपका पॉल आउटलेट, अधिकतर यूट्यूबर्स के कमेंट थे कि सर बोर्ड पे हमें लिख करके बताएं, तो आज का पूरा पेपर हम बोर्ड पे ही लिख करके करेंगे कि उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख सकें और आपको पेपर में हर क्वेश्चन पे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहे। तो हमें डीडीसी में फोनिक शेड्यूल डीडीसी का भाग है जो 16वें संस्करण के फोनिक शेड्यूल, जिसमें फोनिक शेड्यूल का अर्थार्थ होता है, मतलब होता है कि नए विषय का उनकी जगह आगमन। और हमने यूडीसी, यूडीसी कब आती है, एक्चुअली इसका आविर्भाव 1895 में हो जाता है, किंतु इनके तत्वाधान में इसका प्रॉपर संचालन 1905 से हेनरी ला फाउंटेन तथा पॉल आउटलेट के द्वारा। तथा हमारा दूसरा है कि बीसी, बीसी तो बीसी आपका 1904 में ब्लिस महोदय के द्वारा प्रकाशन में आती है, 1935 एल सी है 1904 आप, यह बी सी आपकी 1935, डी डी सी आपकी 1905 और यह 16वें संस्करण में। तो लाइब्रेरी कांग्रेस आपकी है 1904 में, यह भी वर्गीकरण की पद्धति है, क्लासिफिकेशन पद्धति है। आगे हम बढ़ते हैं, द अगला चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा प्रश्न है द क्रिसिस इन कैटलॉग का प्रकाशन, द क्रिसिस इन कैटलॉग, द क्रिसिस इन कैटलॉगिंग का प्रकाशन किसने किया। तो सही आंसर रहेगा आपका एंड्रू ऑसबॉर्न, एंड्रू ऑसबॉर्न ने कब किया, तो हमारा 1941 में, नोट कर लीजिए, द क्रिसिस कैटलॉगिंग आपकी एंड्रू ऑसबॉर्न लेके आते हैं, तथा यह 1941 में, कब 1941 में।
हमारा दूसरा ऑप्शन है माइकल गॉर्मेन। दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पे है माइकल गॉर्मेन। तो हमने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पढ़े थे जिनमें माइकल गॉर्मेन नाम आता है। माइकल गॉर्मेन व कॉफर, क्रॉफर। माइकल गॉर्मेन और क्रॉफर 1998 में 5 सूत्र देते हैं जिनमें उनका पहला सूत्र रहता है कि सूचना प्रत्येक स्वरूप का सम्मान करे, सूचना के प्रत्येक स्वरूप का सम्मान करें, तथा दूसरा रहता है इनका पुस्तकालय मानवता की सेवा करें, पुस्तकालय मानवता की सेवा करें, तथा दूसरा है कि सूचना के प्रत्येक स्वरूप का सम्मान करें, तथा तीसरा आता है कि पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक के बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाए, बुद्धिमत्ता तकनीक का प्रयोग किया जाए, तथा चौथा उन्होंने दिया था कि ज्ञान को सभी व्यक्तियों तक निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाया जाए, और पांचवा है उन्होंने कहा था कि भूतकाल का सम्मान करें तथा भविष्यकाल का सृजन करें। तो इस तरह से इनके 5 सूत्र दिए थे जो हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे, उन्हें आप देख लीजिए। पहले वीडियो जिसमें आया था उसमें हम 5 लॉज के पहले वीडियो इंट्रोडक्शन था, उनमें हमने सभी 5ों सूत्रों के बारे में बात की थी, जितने भी शोधकर्ता हुए किन किन ने क्या क्या दिए तो वो हमने पढ़ लिया था। तो उन्हें यूट्यूब पर पहले उन्हें आप देख सकते हैं कि वहां पे उनका पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। आगे हमारे सामने 5वां प्रश्न है कि सीसीसी में एक शब्द दे रखा है कि उसको किस तरह से लिखेंगे। राम कुमार मुखर्जी, राम कुमार मुखर्जी, शब्द दे रखा है राम कुमार मुखर्जी, और हमें सीसी में लिखना है कि इसमें किस प्रकार से हम लिखा जाएगा। तो पहला ऑप्शन में हमारे सामने, अगर हम सीसी की बात करें, प्रविष्टि में एंट्रीज किस तरह, मेन एंट्री किस तरह से बनेगी, तो हमेशा जो आपका सरनेम रहता है उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तथा जो ये नाम है इसको हम पीछे स्मॉल लेटर में कोष्ठक बना करके स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका मुखर्जी है तो इसे हम कैपिटल में लिखेंगे, मुखर्जी, और आगे हम पहला अक्षर कैपिटल लेकर के राम, KUMAR, राम कुमार। राम कुमार मुखर्जी को सीसी में किस तरह से लिखेंगे? मुखर्जी ये आपके सभी कैपिटल लेटर में रहेंगे, तथा कोष्ठक में हम लिख सकते हैं राम कुमार। तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे हम देखें कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं आपके और उन पे विचार करना है, और आगे ऑप्शन दे रखे हैं कि दोनों सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों सत्य है, तो हम देखते हैं उन पे कथन कौन कौन से हैं। हमारा पहला कथन है सीसी एक परिगणनात्मक पद्धति है। सीसी परिगणनात्मक पद्धति है, क्या यह सही है? परिगणनात्मक तो नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि सीसी निर्बाध पद्धति है, निर्बाध पद्धति है बिना वाद के। तथा हम दूसरे ऑप्शन पे बात करें कि सीसी में विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति से क्लास नंबर बनाए जाते हैं, तो क्लास नंबर सीसी में हमेशा किस पद्धति से बनाए जाते हैं? विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति, यह आपका सही रहेगा। तथा सीसी का हमें पहला संस्करण, दूसरा तथा तीसरा संस्करण आपके किस पद्धति में है?
बता सकते हैं आप में से? वेरी गुड। अपरिवर्तन पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। अपक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। अगर हम बात करें इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिजिडली, रिजिडली फैसेटेड। आपका पहला, दूसरा और तीसरा संस्करण जो है वह अपक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति का है, तथा चौथा, पांचवा और छठा, तथा छठा रिप्रिंट। छठा जो रिप्रिंट है वह है आपका लगभग मुक्त पक्षात्मक, लगभग मुक्त पक्षात्मक, जिसे हम कहेंगे ऑलमोस्ट रिजिडली फ्री फैसेटेड। और हमारा सातवां जो संस्करण है वह है आपका मुक्त पक्षात्मक। मुक्त पक्षात्मक अर्थात फुल्ली फ्रीली। तो सीसी कैसी पद्धति है? निर्बाध पद्धति है, जिसमें यह तीन पद्धतियों में है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पहला, दूसरा तथा तीसरा जो संस्करण है वह एडिशन, वह अपक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, रिजिडली फैसेटेड है। चौथा, पांचवा, छठा और तथा छठा रिप्रिंट, यह आपका लगभग मुक्त पक्षात्मक है, तथा जो सातवां संस्करण है वह बिल्कुल फ्री है, यानी मुक्त पक्षात्मक है। आगे हम बात करें कि सातवां जो हमारा, इसका सही आंसर रहेगा, पहला तो कथन गलत है, जो हमारा पहला कथन जो दे रखा है कि परिगणनात्मक सीसी एक परिगणनात्मक पद्धति है, यह आपका गलत है। और दूसरा, सीसी में विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति से क्लास नंबर दिए जाते हैं, यह हमें पता है। तो हमारा दूसरा, चौथा जो ऑप्शन है वह आपका सही आंसर रहेगा कि पहला कथन गलत है तथा दूसरा सही है। आगे हमारा सातवां प्रश्न आता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण, पाठक के कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा सूत्र है? पुस्तकालय में यहाँ पे सभी के कर्तव्य, दायित्व, तो हमारा दूसरा सूत्र जो है वह बात करता है कि पाठकों के क्या दायित्व होने चाहिए, सरकार के क्या दायित्व है, तथा प्राधिकरण के क्या दायित्व है, कर्मचारी के क्या दायित्व है, सभी के दायित्वों की बात कौन सा सूत्र करता है पुस्तकालय विज्ञान का? दूसरा। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा दूसरा सूत्र। तथा तीसरा आता है हमारा, आठवां अगला प्रश्न है कि फेज रिलेशन। फेज रिलेशन से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। फेज रिलेशन का प्रयोग किस स्तर पर किया जा रहा है? पंक्ति, पक्ष और तीसरा ऑप्शन है आपका विषय, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फेज रिलेशन का प्रयोग किस में किया जाता है? वेरी गुड, सभी में किया जाता है। तो इसका मतलब पंक्ति, पक्ष और विषय। तो फेज रिलेशन कितने प्रकार से हैं बता सकते हैं? टोटल हो चुके हैं छह। छठे संस्करण तक आपके, छठे संस्करण तक आपके पांच प्रकार से फेज रिलेशन है, जिसमें हम देखें आपको बता ही देते हैं। पहला है आपका सामान्य, दूसरा है आपका झुकाव, तीसरा है आपका तुलना, चौथा है आपका अंतर,
और पांचवा है आपका प्रभाव। यह आपके पांच है और अगला जो छठा आपका आता है वह आता है टूल, सातवें संस्करण में आपका टूल। तो हम इनकी टेबल देखें कि टेबल पूछी जाती है तीनों की, पंक्ति, पक्ष और विषय की। इसको हम ऊपर लिख बना लेते हैं टेबल। टेबल हमारे टेबल में से एक प्रश्न पूछा जाता है पहला है आपका सामान्य जिसे हम जनरल कहते हैं, दूसरा आपका आया झुकाव जिसे हम बायस कहते हैं, तीसरा आपका है तुलना जिसे हम कॉम्पेयर रीजन कहते हैं, और चौथा है आपका डिफरेंस मतलब अंतर, और पांचवा है आपका इन्फ्लुएंस प्रभाव। इनकी हम टेबल देखें पहले विषय अंतः विषय के रूप में। अंतः विषय में तो हमारे सामने आते हैं ए बी सी डी और जी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी और स्मॉल जी। आगे हम बात करें इनके पक्ष की, अंतः पक्ष। अंतः पक्ष तो अंतः पक्ष में जे के एम एन और आर। आगे हम बात करें अंतः पंक्ति की, अंतः पंक्ति तो टी यू वी डब्ल्यू और वाई, ये सभी स्मॉल में रहेंगे। तो यह आपका जनरल था, बेस था, तुलना कंपैरिजन था, डिफरेंस था और इन्फ्लुएंस था। तो हमारा अंतः विषयी मतलब इंट्रा सब्जेक्ट जो है उनके लिए सामान्य के लिए ए, झुकाव के लिए बी, तुलना के लिए सी, अंतर के लिए डी और प्रभाव के लिए जी, और अंतः पक्ष में आपका जे के एम एन और आर, और अंतः पंक्ति जो है वह टी यू वी डब्ल्यू और वाई। तो यहाँ से इस टेबल से आपका एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पूछा जाएगा कि अंतः पक्ष में सामान्य को लिए कौन से क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो इन चारों में से ऑप्शन दे देगा और पूछेगा, पूछा जाएगा तो हमारा सही आंसर रहेगा जी। आगे हम बात करें नौ नंबर की कि अज्ञात लेखक की कृतियों को क्या कहा जाता है। अज्ञात लेखक तो ऑप्शन हमारे सामने है समानार्थ कृति, संपादित कृति, गुमनाम कृति तथा इनमें से कोई नहीं। किसी कोई भी कृति है या किताब है जिसका लेखक हमें पता नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, गुमनाम कृति। इसका सही आंसर रहेगा आपका गुमनाम कृति। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 कि पुस्तकालय वर्गीकरण का आधुनिक स्वरूप, पुस्तकालय वर्गीकरण का आधुनिक स्वरूप। आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा लिखा गया, पुस्तकालय वर्गीकरण का आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन में हमारे के एम आसदुल्ला, जे मिल्स, जे डी ब्राउन और सेयर्स। तो हमारा यहां पे देखें कि आधुनिक वर्गीकरण, पुस्तकालय वर्गीकरण का आधुनिक स्वरूप
सही आंसर रहेगा आपका जे मिल्स। जे मिल्स कथन भी कहते हैं कि वर्गीकरण वस्तुओं तथा विचारों को व्यवस्थित करने का संभावित उत्तम उपाय है। क्या कहते हैं वो आप यहां देखें कि वर्गीकरण वस्तुओं तथा विचारों का विचारों को व्यवस्थित व्यवस्थित करने का उत्तम उपाय। जे मिल्स कहते हैं कि वर्गीकरण वस्तुओं तथा विचारों का व्यवस्थित करने का संभावित उत्तम उपाय है। तो हमें पुस्तकालय वर्गीकरण का आधुनिक स्वरूप जे मिल्स आपका सही आंसर रहेगा। तथा अगला है आपका सेयर्स महोदय। सेयर्स महोदय का भी वर्गीकरण में आपका एक कथन आता है कि वर्गीकरण क्या है। तो ये सेयर्स महोदय कहते हैं कि फलकों पर पाठ्य सामग्री या सूची की प्रविष्टियां को विषयवार व्यवस्थित करना फलकों पर पाठ्य सामग्री या सूची की जो प्रविष्टियां हैं उनको विषयवार व्यवस्थित करना जो जिसका पाठक अधिक से अधिक लाभ ले सके यह दोनों कथन अक्सर पूछे जाते हैं कि जे मिल्स यह वर्ग दिया जाएगा कि वर्गीकरण वस्तुओं तथा विचारों को व्यवस्थित करने का उत्तम उपाय है, यह कथन किसका है। तो हमारा सही आंसर रहेगा जे मिल्स महोदय का। और अगर हमारा सेयर्स महोदय का यह पूछा जाएगा कि फलकों पर पाठ्य सामग्री या सूची की प्रविष्टियां विषयवार व्यवस्थित करना जिसका पाठक अधिक से अधिक लाभ ले सके तो यह आपका सेयर्स महोदय का कथन। आगे हम देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य। हम जानते हैं कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि पेरिफेरल डिवाइस तक पहुंचने का कंट्रोल करना, मेमोरी का प्रबंध करना, मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को तैयार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहां पता है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कंपोनेंट क्या कार्य करता है, या उनका एक तरह से हम कहें कि मैनेजमेंट करना, अर्थात कि मेमोरी का प्रबंध करना। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा तात्पर्य कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन सा कार्य करना है यह बताना, तथा प्रत्येक का मैनेजमेंट यानी कि किस तरह से कार्य कर रहे हैं वह हमें बताना। तो हमारा सही आंसर रहेगा भी मेमोरी का प्रबंध बताना। तथा अगला हमारा प्रश्न है कि डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है आइकन, दूसरा है पिक्चर, तीसरा है विडो और चौथा है लोगो। तो हमें पता है कि जो हमारी
कंप्यूटर की डेस्कटॉप है उस पर छोटे छोटे हम ये कहें कि आइकन GUI या CUI। यह दो इंटरफेस के रूप में हमारे सामने रहते हैं तो हम क्या कहेंगे छोटे छोटे ग्राफिक्स को आइकन। सही आंसर रहेगा हमारा आइकन। अगला प्रश्न है हमारा लिनक्स। लिनक्स एक खाली स्थान दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चार ऑप्शन है विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, मैक या ओपन सोर्स। तो हम जानते हैं कि लिनक्स लिनक्स हमारा क्या है, ऑपरेटिंग ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका डी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको बता दें कि लिनक्स हमारा अब तक का सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। यह सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। 1980 तक कौन सा रहा था लोकप्रिय? यूनिक्स। उसी यूनिक्स पर आधारित है, लेकिन यूनिक्स में कुछ कमियां रह गई थी जिसको अद्यतन करके यह हमारा लिनक्स आता है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो यह सबसे अभी वर्तमान में यह लोकप्रिय है। अब हम आगे बात करें कि यूनिट के रूप में सेव सूचना, यूनिट के रूप में सेव सूचना कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर। यूनिट के रूप में सेव सूचना का कलेक्शन होता है फोल्डर, पाथ, फाइल या फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन एक फाइल का नाम है तो हमारा यह ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा रहा कि फाइल, तो फाइल किसी भी डॉक्यूमेंट को हम सेव करने पर वह हमें फाइल बनती है तथा फाइलों का समूह हमें फोल्डर बनता है तथा इन सभी का श्रृंखला जो हमारा बी ऑप्शन है वो है पाथ। तो हमारे यहाँ सही आंसर रहेगा पाथ, PATH। हमारा सही आंसर रहेगा पाथ। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 15 कि टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। टैब कुंजी का एक होता है स्पेस बार, एक है टैब। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं। कर्सर को स्क्रीन में नीचे लाने, स्क्रीन को कर्सर को मूव करने, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने, पैराग्राफ को इंडेंट करने। टैब जो कुंजी रहती है, टैब कुंजी का प्रयोग स्पेस बार की तरह ही यह कार्य करती है। स्पेस बार में एक एक अक्षर को आगे बढ़ाया जाता है, जबकि टैब में, पैराग्राफ इंडेक्ट में आप एक साथ गैप दे करके आगे कम से कम 5 से 10 अक्षर का एक साथ में हम गैप दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया पैराग्राफ को इंडेक्ट करने में तथा स्क्रीन पर जो कर्सर है उसको भी मूव करने में। तो हमारा सही आंसर रहेगा डी, बी और सी। स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेक्ट करने में हम टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि BAS.DOC.HTM क्या है, किसके उदाहरण है। तो हमें फाइल यानी कि यह हमारे एक्सटेंशन दे रखे हैं हमें BAS, DOC और HTM। तो सही आंसर रहेगा बी। आगे हम देखें 17 नंबर प्रश्न। स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपके फोल्डर्स। फोल्डर में स्टोर की गई फाइलों को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगला 18 नंबर प्रश्न है हमारा, सेव डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने देखा था कि सेव डॉक्यूमेंट्स को हमने क्या कहा था, फाइल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फाइल। और फाइलों के व्यवस्थित समूह हम किस में रखते हैं, उसे फोल्डर कहेंगे। तथा अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट को यूज कैसे किया जाता है। अभी हमने देखा था कंप्यूटर्स के भाग को,
कैसे यूज करना है, किसको मेमोरी को प्रबंध कैसे करना है, तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न में आपके ऑप्शन दे रखे हैं नेटवर्क, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो हमारा यहाँ क्या सही आंसर रहेगा? वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बताता है कि कंपोनेंट का यूज कैसे किया जाता है, तो हमें यह ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। अगला है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। हमारे सामने हम देखते हैं किसी भी प्रकार के फाइलों को हमारे सामने कलेक्शन है, तो हम इन्हें एक दूसरे को नाम देते हैं और क्या कहते हैं, यह हमारे रिकॉर्ड है। क्या है? रिकॉर्ड है। तो हमारा रिलेटिव जो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड कहेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा बेगाइड। बेगाइड क्या है? यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे सामने है बेगाइड। बेगाइड, बेगाइड क्या है, कोई बता सकते हैं आप में से? ऑप्शन है हमारे सामने रेफरेंस सेक्शन, स्टैक रूम में, सर्कुलेशन सेक्शन में, या इन सभी में। बेगाइड, बेगाइड है हमारी स्टैक रूम में। स्टैक रूम, स्टैक रूम में स्टॉक नहीं होता, स्टैक क्या होता है? भंडार, स्टैक रूम। अगला प्रश्न है हमारा कॉमन आइसोलेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कॉमन आइसोलेट हमारा ऑप्शन है रंगनाथन के द्वारा, डीवी के द्वारा, पोल ऑटलेट के द्वारा या ब्राउन के द्वारा। क्या रहेगा सही आंसर? रंगनाथन। एक बार और देख लें कि कॉमन आइसोलेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। अधिकांश बच्चे प्रश्न को देखते ही नहीं है और सीधा टिक करते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या है, वह नहीं देखते। कॉमन आइसोलेट, इतना इजी प्रश्न, यह तो मुझे आता है, डॉक्टर रंगनाथन, और बाहर एग्जाम से बाहर आकर के कहते हैं यह तो बहुत सरल था। लेकिन आंसर आपका गलत रहेगा। डीवी मॉडर्न विश्व में सबसे पहले कॉमन आइसोलेट का प्रयोग डीवी मॉडर्न ने किया था, मेलविन डीवी मॉडर्न। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा, हाँ भारत में आप कह सकते हो कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने आइसोलेट का प्रयोग पहले संस्करण में ही कर दिया था सीसी के। तो हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य पुस्तकालय बजट के निर्माण में निर्धारक कारक की भूमिका नहीं अदा करता है। यहाँ प्रश्न पूरा पढ़ना कि पुस्तकालय बजट के निर्माण में कौन सा कारक है जो भूमिका नहीं अदा करता। ऑप्शन दे रखे हैं लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यूजर और लाइब्रेरी कलेक्शन। तो लाइब्रेरी बजट जो पुस्तकालय बजट है उसमें उसके निर्माण में कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं उन्हें हम देखें कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किस प्रकार की है, सार्वजनिक है, एकेडमिक है, स्पेशल है, तो उसका बजट, सभी लाइब्रेरीज का बजट अलग अलग प्रकार से तैयार होगा, तो इसकी भूमिका आवश्यक है। अब हमें देखें कि लाइब्रेरी में यूजर कितने हैं, 50 है, 500 है, 5000 है, 3000 है या 50,000 है, तो पाठक कितने हैं उनकी भी संख्या निर्धारित हमें पता होनी चाहिए, तो ही हम पुस्तकालय का बजट तैयार कर सकते हैं। और अगला है लाइब्रेरी कलेक्शन, हमारी लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं और कितना हमें और कलेक्शन चाहिए जिससे प्रत्येक पाठक की मांग को हम पूरा कर सकें, रंगनाथन महोदय के 5 जो सूत्र है उनको हम पुस्तकालय के वास्तविक जीवन में उतार सकें। तो हमारा यहाँ पे पुस्तकालय के स्थान से किसी प्रकार का कोई, उसका लोकेशन क्या है उससे हमें पुस्तकालय के बजट में कहीं कोई भूमिका नजर नहीं आती,
तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही रहेगा ए, लोकेशन और लाइब्रेरी। आगे हम बात करें कि डीडीसी के 16वें और 19वें संस्करण के संपादक कौन है, तो हमें डीडीसी के 23 संस्करण जो है उनकी टेबल्स हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा संस्करण इन्होंने दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा कारानोमी, कारानोमी, तो आप डीडीसी, आपके सभी के पास में डीडीसी की फाइल जो आपकी टेबल बनी हुई है नोट्स में, उसे आप खोलिए। यूट्यूब के सभी साथी अपने डीडीसी चैप्टर में प्रत्येक किताब में या आपके पास जो भी नोट्स है और प्रत्येक किताब में आपकी टेबल बनी हुई है, तो उसमें देखें कि कारानोमी का कौन सा एडिशन आता है डीडीसी का। जल्दी से देख करके बताओ आप कि डीडीसी का कौन सा संस्करण कारानोमी महोदय का है संपादक, 21वां संस्करण, आप देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा मिसेली, मिसेली महोदय, मिसेली का कौन सा है, खोली होगी अब तक तो आपने, 22वां और 23वां, 22 और 23। तीसरा ऑप्शन है आपका कस्टर, कस्टर महोदय हैं, तो कस्टर महोदय के देखिए 16, 17, 18 और 19 और 20, पांच आपके संस्करण कस्टर महोदय के हैं, दो आपने देख लिए 22 और 23 मिसेली महोदय के हैं, और कारानोमी का 21वां संस्करण। अगर हमारा चौथा ऑप्शन है डार्किन्स,